Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, बी टाउन हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बागी थ्री फिल्म के डे एट के इंडिया के ओवरसीज के और वर्ल्ड वाइड के कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों आप भी अगर टाइगर श्रॉफ के ट्रू फैन हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बागी थ्री फिल्म के लीड रोल में हमें टाइगर श्रॉफ, श्रद्धा कपूर और रितेश देशमुख देखने को मिले थे। दोस्तों ये फिल्म धुआंधार कलेक्शन कर रही है, बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा रही है। जैसा फिल्म में एक्शन दिखाया जा रहा है वैसा ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बागी थ्री फिल्म को इंडिया में 4400 स्क्रीन में रिलीज़ किया है और ओवरसीज में 1100 स्क्रीन में। इसी तरह बागी थ्री फिल्म का जो टोटल स्क्रीन काउंट है वर्ल्ड वाइडली वो 5500 है। दोस्तों इस फिल्म के स्टारकास्ट में लीड रोल में हमें टाइगर श्रॉफ, श्रद्धा कपूर और रितेश देशमुख देखने को मिले। दोस्तों इस फिल्म में VFX ज़्यादा यूज़ किया है, इस हिसाब से इस फिल्म का जो बजट है वो 90 करोड़ बताया जा रहा है और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है फॉक्सटार स्टूडियो साजिद नडियादवाला ने। दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अहमद खान ने और इससे पहले अहमद खान बागी 1 और बागी 2 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म को डायरेक्ट कर चुके हैं। दोस्तों इस फिल्म का जो रन टाइम है वो 143 मिनट का है। दोस्तों आपको बता दूं कि बागी 3 फिल्म ने अच्छी अच्छी फिल्मों को पछाड़ दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देर करते इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो बागी 3 फिल्म ने अपने पहले दिन इंडिया से ओपनिंग ली है 17 करोड़ 50 लाख, दूसरे दिन 16 करोड़ 3 लाख, तीसरे दिन 20 करोड़ 30 लाख, चौथे दिन 9 करोड़ 6 लाख, ये ऑफिशियल कलेक्शन है दोस्तों। पाँचवें दिन 14 करोड़ 5 लाख का बम्पर कमाई की है और डे 6 को इस फिल्म ने 8 करोड़ 3 लाख का कलेक्शन किया है ऑफिशियली, और डे 7 के अनुसार ये फिल्म 7 करोड़ 85 लाख का कलेक्शन कर रही है दोस्तों। और आज इस फिल्म का डे 8 है और आज के रिपोर्ट के अनुसार ये फिल्म इंडिया से 6 करोड़ 75 लाख का जो कलेक्शन कर रही है दोस्तों। वर्किंग डे होने के बावजूद भी ये कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। और इस फिल्म का इंडिया का टोटल कलेक्शन होता है 8 दिनों का 100 करोड़ 75 लाख। दोस्तों इस फिल्म ने डे 8 तक में ही अपना इंडियन मार्केट में 100 करोड़ क्रॉस कर दिया है जो कि बहुत ही बढ़िया है। और दोस्तों इस फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन होता है 8 दिनों का 123 करोड़ और इस फिल्म ने ओवरसीज में अभी तक 30 करोड़ की जो बम्पर कमाई की है। इसी के साथ बागी 3 फिल्म का 8 दिनों का वर्ल्ड वाइड टोटल कलेक्शन होता है 150 करोड़ 150 करोड़ जो कि बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट भी साबित हो जाएगी। तो दोस्तों ऐसी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।